मॉर्निंग बच्चों, वी आर इन द जनरेटिव पार्ट, यू ऑल नो दैट। स्टडी वी हैव सेंड द वीडियो ऑफ रिन्यूअल अपडेट। ओके बच्चों, आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दैट। अब दो बच के अपने पास, एक है रिटायरमेंट और एक है इंश्योरेंस, तो आज हम लोग करेंगे। क्या है
रुपये अकाउंट दे दिए, पैसे मिल गया, आपने बिल देना पड़ेगा उसको, बिल देगा। मान अपने केस में बिल है 8,000 का, अब पैसे कितना मिल रहा है खाली 7,700, तो केस अगर डिस्काउंट हुआ तो आप डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड। जनरेट होगा। अब मान लो किसी को देना है
टोटल मुझे सबका देना है 5 लाख रुपए, लेकिन प्रॉपर्टी बेच के 2 लाख रुपए है, तो ठीक है 2 लाख रुपए है मेरे पास, देना कितना था 5 लाख, पॉसिबल है सबको देना, तो क्या करेंगे उसको रेशियो में, रेशियो मतलब अनुपात 2:5, जिसका 5 रुपया बाकी है उसको क्या दूंगा 2 रुपये दूंगा, जिसका 10 रुपये बाकी है क्या दूंगा 4 रुपये दूंगा, ऐसे कर करके सबको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लाख एक आदमी को दे दो बाकी 3 लाख वाले ले जाओ, नो। तो उसकी प्रॉपर्टी का नीलामी होता है, नीलामी से थोड़ा बहुत अगर कुछ पैसे आया तो पार्ट पेमेंट का कुछ उम्मीद जगता है। जो पहला कैंसल द अगेन वैसे पास इन वन डिजाना रेट आउट ऑफ फोर एज पर तो सेम वर्ड में जो कल उन्होंने किया था, तो पहले कैंसल वर्ड में डिजाना का एंट्री करना है, कौन सा एंट्री करना, चार डिजाइन एंट्री है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, एक डिजाइन एंट्री पास करेंगे, ओके लेट अस कैंसिल द ऑर्डर। देन पार्ट पेमेंट, आप मान लो पार्ट पेमेंट पेड रिसीव कर दी, यस क्या था बच्चों, कैश का अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ योर अकाउंट बराबर है, पार्ट पेमेंट पेड इसका क्या एंट्री करूँ, जो पावर अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट, हमारा 10,000 का बिल है क्या, 10,000 रुपये मिल जाएगा नहीं, अगर जब पूरे पैसे आपको मिल ही जा रहा है क्या क्या इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब है क्या उसमें पैसे नहीं है भाई, भी तो थोड़ा बहुत पैसे तो पूरा सबको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो इससे आगे अगर मान लो मेरा 10,000 बाकी था तो अभी से 2,000 रुपये मिला बाकी का, मेरा 8,000 रुपये क्या हो गया प्लस, अब जो इमोशनल है ये मेरा 10,000 बाकी था, 2,000 दे रहा है, 8,000 छोड़ रहा है, लॉस हो रहा है मेरा, ये लेके जाओ बिजनेस है, बिजनेस का दिमाग सोचो, कम से कम 2,000 तो आ रहा है, जो आ रहा है तो भाई 8,000 डूब रहा है, लेकिन 2,000 तो मिल रहा है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी का पैसे आपका लॉस हो गया, क्या बोलते बच्चों बैड डेब्ट्स, 8,000 का बैड डेब्ट्स, तो 10,000 बाकी था लेकिन इंस्टॉलमेंट हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया रहेगा उस पैसे से आपको 2,000 रुपये मिला है, बाकी का लॉस, लॉस होगा तो अपने लिए लॉस, उसके लिए क्या आएगा प्रॉफिट, इस बार सब एक का एक्सपेंस तो दूसरे का कम, एक के लिए लॉस तो दूसरे प्रॉफिट, लेकिन क्या उसने ऐसा है कि पैसे है फिर भी नहीं दिए जान, मतलब आपको उसके पैसे ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, इसलिए उसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी पैसे की कमी, मजबूरी है उसका इसलिए नहीं दे रहा पैसे, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, डोंट से प्रॉफिट और उसको, तो एक के लिए बैड डेब्ट्स तो दो है और कॉमर्स के दिमाग सर एक का बैड डेब्ट उसका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तब बोलेंगे जब उसके पैसे रहेगा और जान उसके नहीं दे रहा है, यू डोंट हैव एनी मनी शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे आपका लॉस रहेगा बैड डेब्ट्स।
कुछ ऐसा बोले कि सर इंस्टॉलमेंट हो गया लेकिन पूरा प्रॉपर्टी बेच के पूरा पैसा मिल गया, तो फिर सर मैंने गुड अगर पूरा 10 लाख पूरा का पूरा मिल गया तो ठीक है तो मैं डेट नहीं लिखूंगा। लेकिन इंस्टॉलमेंसी का मतलब जो था पैसे उसका नहीं है तो पूरा कैसे देगा वो। और जब फिर ड्रावर अकाउंट डेबिट 10 लाख का था उसने आपको 2000 दिया बाकी का 8000 का शॉर्ट हो गया। जो ये था इंस्टॉलमेंसी का केस। अब कुछ बच्चे बोलते सोचते रहे कि सर अगर मान लो ऐसा पूरा प्रोसीजर हो गया इंस्टॉलमेंट का और उसके बाद ट्रॉली को इनाम लग गया 5 लाख का और पैसे आ गया उसके, तो क्या वो पैसे पीछे वाला देगा? तो मैंने आपको पहले भी बोला था एक बार अगर टैग लग गया उसके बाद देना है, उसके बाद अगर पैसे आया नहीं आया वो अगर इंसानियत के नाम तो देना चाहे तो देगा, है ना। पहले देने का सवाल ही नहीं उठता। और आप चाहते हो केस कर सकते, अगर आपने कितना समझ अगर लॉस हो गया उसने केस किया हुआ इसका पैसे लेके नहीं दिया तो कोर्ट आपको क्या करेगा ऑर्डर नहीं देगा, वो पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगी जो पैसे उसके पास है ये पैसे इंस्टॉलमेंट से पहले का है कि इंस्टॉलमेंट के बाद का है। अगर पैसे इंस्टॉलमेंट के पहले का है तब तो उसके ऊपर फ्रॉड एंड चीटिंग का केस लगेगा और आपके पैसे मिलेंगे कुछ। लेकिन अगर वो पैसे इंस्टॉलमेंट के बाद आया है तो फिर आगे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है ना। कोर्ट खाली इतने बोलेगा ट्रॉली को अगर आप अपना इंसानियत शो करो, और आप मान लो इंसानियत कितना लोग शो करेंगे। हमने इस तरह से जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया दोनों बुक के। ओके मैंने अलग टाइप बांटता हूँ, मैं ट्राई किया हूँ जब जितना ईजी हो सके। फर्स्ट टाइप उन्होंने किए सेल्फ परचेज डिपार्टमेंट रिसीव डिपार्टमेंट पेड एंड देन बिल ड्रॉ में लिख सकते हैं। बी टाइप में ऑल फोर ऑप्शन उन्होंने किया रहेगा। सी टाइप में ऑनर केस किए उन्होंने। डी टाइप में डिजॉनर केस किए उन्होंने। ई टाइप में रिन्यूअल केस हुआ है। एफ टाइप में रिटायरमेंट एंड जी टाइप में इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों अब इंस्टॉलमेंट में दो दो स्टेप है, रिन्यूअल में 4 स्टेप है। अगर एंट्री याद रहेगा तो रिजॉल्व। फिर हम लोगों ने फॉर्मल भी किया ऑल द थिंग्स। इस तरह से 90 मार्क का चैप्टर का थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसके जो सम करना है अभी मैं देखूंगा कितने बच्चों का बुक्स है कि नहीं है कि गांव में बच्चे गए हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे एक दो दिन में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बच्चों। जब तक आप उसको रेडी करेंगे।